ओके हेलो एंड हाय एवरीवन दिस इज अभिषेक वेलकम टू कलाम पीसीएस सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कट ऑफ ऑफ सिक्सटी नाइन्थ बी पी एस सी फिल्म इन आर प्रीवियस वीडियो ठीक है इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट अप्रोच ऑफ सिक्सटी मेंस मेन्स कि हमारा अप्रोच सिक्सटी मेंस मेन्स के लिए क्या होना चाहिए ठीक है कैसे टैकल करना है जी एस वन टू और एस सी के पेपर को ठीक है क्या इंपॉर्टेंस है पी वाई क्यूज का सारी चीजों को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है ठीक है लेकिन सिलेबस को विल की ब्रीफ ठीक है तो सिलेबस कैसे कवर करना है उसको बेसिकली स्ट्रेटजी वीडियो ही है तो सिलेबस वाला पार्ट उसको कि क्या आपके मटेरियल्स होने चाहिए कौन-कौन से मटेरियल पढ़ना चाहिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा ठीक है क्योंकि बुकलेट कौन सी होनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है ठीक है तो आपको क्रस्ट में बहुत कुछ चाहिए होगा ठीक है तो हम सोर्सेज के बारे में विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो ठीक है इसमें देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए टेस्ट सीरीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जीएस वन टू और एसए के लिए क्या इंपॉर्टेंस ठीक है तो ऐसे जो है सिक्सटी एट बीपीएससी में हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि एस कैसे आने वाला है ठीक है लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे थोड़ा बहुत बीपीएससी ने बताया था ठीक है और एसए के बारे में अब हमें हमारे पास क्या है एक आउटलाइन बीपीएससी एस के बारे में एक उटलाइन तो का प्रिपरेशन तो उसी पे होगा We, the ठीक है, PCS, एक दिया जाएगा आपको ठीक है उसी लाइन पे आपको एस तैयार करने हैं और मार्केट में कोई अन्य मटेरियल मिलता है क्योंकि इस पे इस बुकलेट में कंप्लीट लगभग 25 से 30 एस कवर होंगे ठीक है सारे थीम बेस्ड ऐसे होंगे जो भी पूछे जिस तरह के ऐसे बीपीएससी पूछ रहे अब बात करते हैं जीएस वन की तो जीएस वन

रिसेंट करंट अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बीपीएससी पूछ रहा है क्योंकि अब तक जो है ना वो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हिस्ट्री वाले पार्ट में और जो है आपका पटना कलम और जो तीन चार टॉपिक्स थे उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था लेकिन बीपीएससी मेन्स में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है तो हम उस तरह के भी टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड करेंगे तो ये तो बुकलेट की बात रही इसी तरह से हमारा जीएसटू का भी मॉड्यूल या बुकलेट है ठीक है तो ये तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ठीक है अभी करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए ठीक है तो करंट अफेयर्स के लिए हमें जो है क्वालिफ वो करेंगे फिफ्टी प्लस जो है टॉपिक्स डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर के जो आपको कवर करने चाहिए हॉलिस्टिकली ठीक है तो वो पचास प्लस करंट अफेयर्स के टॉपिक विल बी गिवन बाय कलाम पीसीस ओनली ठीक है तो ये टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर्स का अभी जो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट वाला सेक्शन है जीएस पेपर टू का साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट तो ये ज्यादातर जो है ना आपका करंट बेस्ड ही होता है ठीक है ज्यादातर करंट अफेयर बेस्ड होता है तो इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी गिवन इन डिटेल ठीक है तो ये दोनों आपके करंट अफेयर ये बेसिकली ये दोनों चीजें करंट अफेयर से ही लिंक्ड हैं ठीक है जीएस पेपर वन में भी जीएस पेपर टू में भी सिक्सटी यूपीएससी में कई ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर बेस्ड थे ठीक है तो वो सारी चीजों का एक लिस्टिंग तैयार करके क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है क्या इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है ठीक है एक लिस्ट तैयार की जाएगी जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाएगी नाउ विल टॉक अबाउट आ प्रोग्राम फॉर सिक्सटी नाइन्थ बी पी हमारा कलाम पी का कौन सा प्रोग्राम है फॉर सिक्सटी नाइन बी पी ठीक है तो जी एस वन टू और एस की बात कर ली हमने बात रही हिंदी का तो हिंदी वाला आप सबको पता है कि हिंदी इज क्वालिफाइंग और ऑप्शनल भी क्वालिफाइंग ही है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है आपको फोर्टी लेके आना है ठीक है तो ऑप्शनल की अगर किसी को दिक्कत है ठीक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस ऑप्शन का ऑप्शनल का पी वाई क्यूज जो पूछे गए हैं ठीक है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए विल डिस्कस वन बाई वन ठीक है उनसे फेस टू फेस भी डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग ठीक है गूगल मीट एक्सेट्रा अदर मीडियम्स पे ठीक है तो ये ऑप्शनल और हिंदी की बात रही है, ठीक है तो हिंदी तो इजीली टैकल की जा सकती है ठीक है क्योंकि हिंदी आपको ऐसे में भी लिखनी है हिंदी का वो भी है ठीक है लेकिन ऑप्शनल में अगर फोर्टी लाने में किसी को दिक्कत हो रही है तो ऑप्शनल पे विल टॉक लेटर ठीक है अभी बात करते हैं अबाउट ऑफ प्रोग्राम फॉर सिक्सटीन एंड बी पी एस सी मेन्स तो प्रोग्राम का नाम है क्यू आई पी दैट इज क्यू ई पी दैट इज क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम क्या है मेन फीचर इस प्रोग्राम का तो पहला तो आपका टेस्ट सीरीज है ठीक है टेस्ट है जिसमें टेस्ट में क्या है तीन जो है आपके जो है ये मिनी टेस्ट होंगे मिनी टेस्ट होंगे ठीक है लेकिन मिनी टेस्ट है इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने हैं यहाँ पे आपको फुल लेंथ की तरह ही तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बस तीन होंगे ठीक है जैसा कि जितने आपको करने होते और जो एफ होता है फुल लेंथ टेस्ट होता है उसमें आपको आठ क्वेश्चन मिलते हैं उसमें से तीन ही क्लेन करने होते हैं ठीक है तो एफ में वो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे रहेंगे जितना आपको करना होगा वो रहेगा बाकी यहाँ पे क्वेश्चन के नंबर कम हो जाएंगे लेकिन आपको अटेम्प्ट पूरे करने हैं ठीक है इन मिनी टेस्ट यू यू विल नॉट नॉट हैव वुड टू टू ऑप्शन चूज ठीक है आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो अटेम्प्ट करने ही करने हैं वेर एज इन फुल लेंथ टेस्ट आपके पास टोटल आठ ऑप्शन होंगे आठ में से तीन अटेम्प्ट ठीक है तो ये तो मॉड्यूल होने वाला है हमारे टेस्ट मॉड्यूल का तो एफ कितने होंगे तो फुल टेस्ट होंगे छे ठीक है तो मतलब छ है इसका मतलब है जीएस वन के लिए दो जीएस टू के लिए दो और एस के लिए दो तो पर सब्जेक्ट हमारे पास कितने हो जा रहे हैं तीन तीन टेस्ट हो जा रहे हैं ठीक है तो टोटल नौ टेस्ट होंगे तो तो ये तो प्रोग्राम का रहा टेस्ट का अभी ये कोर्स कवरेज वाला कंप्लीट कोर्स कवरेज कैसे होगा ठीक है तो अल्टरनेट डेज पे मान के चलिए आपका ये जो पहला टेस्ट है ये पंद्रह अक्टूबर को रखा गया GS पंद्रह से पहले हमारा जो है दस तारीख से यानी दस अक्टूबर से अल्टरनेट डेज पे डिस्कशन स्टार्ट होगा ऑन यूट्यूब ठीक है ऑन यूट्यूब किसका इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के ऊपर ठीक है और हमारी कोशिश यही होगी थ्रू दीज डिस्कशंस कि हम आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा सकें और ये जो डिस्कशन दिन का डिस्कशन डिस्कशन होगा विद इन वीक यानी अल्टरनेट डेज पे इन्हीं का जो मेन थीम होगा यही होगा इन्हीं पे आपका जो ये टेस्ट होगा ठीक है जो संडेज को होगा ये टेस्ट इन्हीं पे बेस्ड होगा ठीक है क्वेश्चन तो उसमें डिस्कशन में नहीं दिए जाएंगे लेकिन जो आपका टेस्ट के क्वेश्चन होंगे उनकी थीम यही होगी ठीक है तो हमारा क्या टू टाइम रिवीजन टू टाइम रिवीजन एक तो आप लिख के करोगे थ्रू योर टेस्ट पेपर और एक हमारे वीडियो डिस्कशन के थ्रू जो आपको टेस्ट से पहले मिलेगा ठीक है तो आपको कंप्लीट जो है दो बार का रिवीजन हो रहा है आपके कंप्लीट सिलेबस का और हमारी ये कंप्लीट कोशिश होगी कि आपका पूरा का पूरा जो है इससे जीएस वन और जीएस टू कवर हो ट डेज तो ये फिफ्टी प्लस तो तो जो टॉपिक्स है ये बढ़ भी सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि ये फिफ्टी जी रहे ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा विल डिस्कस इन डिटेल ठीक है थ्री सेक्शनल थ्री फुल टेस्ट होंगे पाँच साल का पीवाई क्यू डिस्कशन होगा पीवाई क्यू आप प्रेजेंट ओवर आर यूट्यूब चैनल बट हम इसको फिर से रीमॉडिफाई करके आपको बेसिकली इसमें कवर करने का जो सिक्सटी सेवन और सिक्स एट्थ का मेन्स है ये कवर्ड नहीं है तो मेन मोटो यही है क्योंकि यहाँ पे हमको काफी चेंजेस देखने को मिले ठीक है खासकर सिक्सटी एथ्थ में तो ये जो आपके पीवाई क्यूज हैं इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और इनसे जो थीम बन रही है उन थीम पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनके ऊपर भी डिस्कशन होगा ठीक है तो पाँच साल के पीवाई क्यू डिस्कशन होंगे

जिन स्टूडेंट्स ने कॉपी लिखी है उनके साथ बैठ के फेस टू फेस रिवल्यूशन भी किया जाएगा सो दिस विल बी आर मोड ठीक है तो ये कंप्लीट प्रोग्राम यही है इस प्रोग्राम की फी है जस्ट टू नाइन नाइन ऑनली ठीक है कोई निगोशिएशन कोई भी फीस में छूट नहीं है ठीक है तो कोई निगोशिएशन नहीं है क्योंकि फीस ऑलरेडी बहुत लो रखी गई है दैट इज टू नाइन 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 ऑनली क्यों सिर्फ क्योंकि सिर्फ टेस्ट सीरीज की फीस हमने देखी है कि नौ नौ दस दस हज़ार तक होती है ठीक है तो यह हमारी फीस जो है बस दो हज़ार नौ सौ निन्यानवे यानी तीन हज़ार के आसपास है और इस फीस में कोई छूट नहीं है तो जल्दी कीजिए ठीक है आप दस अक्टूबर से पहले इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो ठीक है मतलब प्रोग्राम ऑनलाइन लाइव है हमारे कलाम आई एस की वेबसाइट पे वहां से आप जाके इसको देख सकते हो इसका जो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है और हमारे टेलीग्राम की लिंक भी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ पे आप पूरे प्रोग्राम की जानकारी ले सकते हो और कॉल कर सकते हो सो so, यही मोटो था इस प्रोग्राम का धन्यवाद थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग